एवरीवन, वेलकम टू गुडलीज टेस्टफुल किचन। आज मैं आपको शहतूत का मलबरी पौधा दिखा रही हूँ। देखिए आप पास से कितने अच्छे पके हुए लगे हैं। आज इसका हम जूस बनाएंगे। देखिए यहाँ फ्रेश तोड़वा के और हम इसका जूस बनाने वाले हैं। आई थिंक आपको दिख रहा होगा कितने अच्छे ही पौधे पर लगे हैं शहतूत, और बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं। कोई भी दवाई या इसमें डालने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए क्लोजअप से दिखाती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं एक रेसिपी। ये देखिए, ये हमने आधा कप शहतूत लिए हैं। तो ये देखिए, इसमें ग्राइंडर जार में हमने आधा चम्मच के करीब चीनी ली है, आधा से पौन चम्मच आप ले सकते हैं। और ये देखिए कितने फ्रेशली ये शहतूत हैं। थोड़े छोटे साइज के हैं, एक बड़े आते हैं, तो छोटे छोटे कट करके ना हम इनको ऐसे रख सकते हैं ताकि बीच में कुछ चंक्स भी डाल दें। और इसको हम इसमें डाल के पहले थोड़ा पानी डाल के ग्राइंड करेंगे। आपको ग्राइंड करके दिखाती हूँ। और ये देखिए, ये कुछ इस तरह से ग्राइंड हो गया है। मैं आपको दिखाऊं, देखिए कितना अच्छा ये कलर है, दानेदार इसमें बना है। बहुत थोड़ा मैंने बनाया है पहले, तो मैं और पानी डाल के ना इसमें चला देती हूँ और इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। और अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा नींबू का जूस। हमने मिक्सी में इसको एक बार और चला लिया है और अब हम इसको स्ट्रेन करेंगे जूस को। ये देखिए बहुत ही कम, ये थोड़ा सा पल्प जैसे निकलता है। स्ट्रेन करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इतना सा ये ऐसे निकला है और आप नीचे देख सकते हैं ये प्रॉपर जूस बनके तैयार है। ये आप टेस्ट करके देख लें कि नींबू कितना डालना है, चीनी कितनी चाहिए, है ना। मीठे होते हैं तो आपको बहुत कम चीनी डालनी होती है, और थोड़े मीठे कम होंगे तो आपको चीनी थोड़ी सी डालनी पड़ेगी। और आप हेल्दी ड्रिंक लेना चाहते हैं तो चीनी अवॉइड कर सकते हैं, शुगर ना लें। तो एक कांच का ग्लास हमने ले लिया है, उसमें हम ये कुछ आइस क्यूब्स डालेंगे और ऊपर से ये डालेंगे इसमें ये जूस जो हमने बनाया है। ये देखिए कितना बढ़िया ये बनकर तैयार है, बहुत ही बढ़िया यम्मी ये लगता है। ऊपर से कुछ हम ये शहतूत के चंक्स डालेंगे। आजकल ये देखने में ना बहुत कम मिलते हैं और इनकी शेल्फ लाइफ कम होने के कारण ना मार्केट में भी इनको नहीं रखते हैं। तो हमारे पास पेड़ लगा है, उसमें ये बहुत अच्छे से तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये जूस बहुत पसंद आने वाला है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया ये ड्रिंक बनकर तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।